से काम चल जाएगा, डबल डबल मेहनत क्यों है, एक एक से काम चल जाएगा। महिला ने गैंग रेप का आरोप लगाया था 5 तारीख को, क्या है पूरा मामला? थाना हसनपुर पर 5 तारीख की सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला के साथ 6 लोगों ने दुष्कर्म किया है, जिस पर कि पुलिस ने तत्काल महिला को मेडिकल के लिए ले गई, मुकदमा दर्ज करवाया गया। महिला द्वारा 4 अभियुक्तों का नाम बताया गया था, जिसमें से कि पुलिस ने 3 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, प्रकरण की जाँच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए मैंने महिला सीओ के अंडर में 4 टीमें बनाई थी मामले के अनावरण के लिए, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। दौरान विवेचना जो साक्ष्य संकलन हुए उसमें जो आरोप थे उनकी पुष्टि नहीं हो पाई। इसमें प्रथम दृष्टया जो अभियुक्त थे उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनके परिवार की एक बच्ची का जो महिला है जहाँ वो काम करती हैं उस फर्जी अस्पताल के संचालक के साथ वैवाहिक मतभेद चल रहे हैं, जिसमें पूर्व में कई बार शिकायतें भी हुई हैं और मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इसी को देखते हुए पुलिस ने अपनी विवेचना का रुख तय किया और जो संचालक है उनसे भी पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला इनके पूर्व से मतभेद चल रहे थे और मतभेद के पीछे कहीं ना कहीं जो महिला है जो आरोप लगा रही थी और जो संचालक है उनके संबंध रहे हैं। इस संबंध में पहले भी इन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की थी और इसमें आगे जब पूछताछ की गई तो जो मेडिकल साक्ष्य हैं उसमें भी हमने देखा कि जो चोट के निशान, चोट बताई जा रही थी महिला अपने द्वारा बता रही थी, वो चोटों की मेडिकल में पुष्टि नहीं हो रही थी। इस पर पुलिस ने जो अभियुक्त हैं उनकी लोकेशन भी लिए और अन्य लोगों से पूछताछ भी की गई, उनकी घटना के समय उनकी स्थिति कहाँ थी, कहाँ वो मौजूद थे ये पता किया गया, उससे भी आरोपों की पुष्टि नहीं हो रही थी। अंत में जब सभी चीज़ों के बारे में जो महिला है आरोप लगाने वाली और जो अस्पताल फर्जी अस्पताल के संचालक हैं उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने ये घटनाक्रम को कबूल किया कि ये घटना झूठी बनाई गई थी और इसके पीछे उद्देश्य यह था कि जो संचालक है उसके ससुराल जनों पर दबाव बनाया जा सके फैसले के निस्तारण के लिए, पूर्व के मुकदमों में सेटलमेंट के लिए। और महिला का जो आरोप लगाने वाली है उनकी इच्छा यह थी कि संचालक अपनी पत्नी से अलग हो जाए और संचालक उनके साथ रहें, इसी के लिए उन्होंने संचालक का साथ भी दिया। ये प्रकरण का खुलासा होते हुए महिला का जो कोर्ट में बयान है वो भी करवाया गया माननीय न्यायालय में पुलिस के द्वारा और इस पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग हमारी सीओ महिला अधिकारी हैं मोनिका जी, उन्होंने स्वयं की थी और जो साक्ष्य आए जो कोर्ट में बयान थे उनके आधार पर अभियुक्तों को छोड़ा गया, मुकदमा फर्जी पाया गया है। आगे इसमें कार्यवाही चल रही है अन्य साक्ष्य संकलन की और जो अभियुक्त हैं उनके जो कथित अभियुक्त थे उनके द्वारा महिला और संचालक के खिलाफ एक तहरीर दी गई थी उन्हें झूठा फंसाने की साजिश रचने की, जिस पर कि पुलिस ने 420 आईपीसी और 182 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। अच्छा सर, महिला के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जाएगी? जी, महिला के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवाना और साजिश रचना 182 आईपीसी के तहत पब्लिक के अधिकारियों, पब्लिक ऑफिसर्स के द्वारा उनके पदों का दुरुपयोग करने के लिए सूचना देना, ये धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। अब फिलहाल महिला के समय हिरासत में है? जी, महिला के खिलाफ जो कथित अभियुक्त थे जिनको भी झूठा फंसाया जा रहा था उनके द्वारा तहरीर दी गई महिला के खिलाफ और संचालक के खिलाफ, जिसके आधार पर 420 और 182 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें कि फर्जी मुकदमा लिखवाना और सरकारी कर्मचारी के ताकत को फर्जी आधार पर किसी अन्य अभियुक्त को फंसाने के लिए इस्तेमाल करना, ये धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें आगे जा रहे हैं।